हाँ वो कौन पता, कौन आता है? वो भूत आता है, माँ बाप आते हैं, कौन आता है? किया हुआ पाप। कौन रोकता आपको पीछे? आपके अंदर पाप, रावण बैठा है। तब रावण कहा उसको, माया कहा, है ना? तो वो किसी न रूप में आता है। दूसरे भाई के देखे, सीता के सामने कौन आया? रावण नहीं आया, साधु बन के आया, है ना? सीता को पता नहीं चला, आपको कैसे पता चलेगा? तो कौन रोकता आपको? अच्छे का सेंटर में आना चाहते हो आप, तैयार होते हो, मुझे सेंटर में जाना है। नहीं नहीं सेंटर में जाके क्या होगा, टीवी में बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, उधर देखते हैं। फिर वो दूसरी कोई आपके दोस्त बुलाती है, उधर जाते हैं, ये खींचेगा। अगर आपका दिल साफ है, पाप नहीं है, वहीं जाना है। 10 लोग आपको खींचेंगे, नहीं चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगी, है ना? जैसे मीरा ने किया, पति ने विष भी दिया, नहीं तुम्हारा राजा ही नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पति श्री कृष्ण चाहिए, है ना? सारे राजाई को छोड़ दिया, लोक लाज को छोड़ दिया, मुझे श्री कृष्ण, एक गिरधर, वो उसको कहते हैं। पाप खींचता है, इन सब को छोड़ के जाता है, तब मेरा का यादगार है और किसी का नहीं है, है ना? खींचते हो सब खींचेंगे, पति रोकेगा, माँ बाप रोकेंगे, माता जी सेंटर में नहीं जाओ, ब्रह्मा कुमार आश्रम में जाओ, पति को भाई पिताजी बताएगा नहीं जाओ, बच्चों को, ये सब होगा, नहीं होगा ऐसे नहीं। तो भगवान के नजदीक जाना इतना सहज नहीं, तो कांटे के ऊपर चलना, जितना तलवार के धार पर चलना, तब कोटों में कोई पहुंचता है। एक ही मेरा का नाम है, देखो इतने सारे ब्रह्मांड, कोई मेरा निकली एक ही? तो आज ऐसे लालगंज से कितने निकलेंगे? तो आप एक मेरा निकलो, आप करके देखो, तो आपका नाम होगा, आपके मंदिर होगा, है ना? टीचर बनो, सेंटर खोलो, अभी बहन जी के साथ सेंटर में रहो, यहाँ रह करके सेवा कर सकते हो। बहन जी के सेंटर बनाया आपको, बहन जी मैं आपके साथ रहती हूँ, सेवा करो,